मैं थोड़े सारे वालों श्रद्धा के फुल भेट करदा। तो आप गल कर रहे सी सरकारां दी, बहुत सरकारां बनी है पर सब तो निकम्मी सरकार जिहड़ी है वो आम आदमी पार्टी दी आ बहुकर वालियां दी बनी। देखो मैं गल कर लवां साडे पंजाब दी, साडी पंजाबीयत दी। 92 सीटां पंजाब वालियां ने झाड़ू पार्टी नूं बणाईआं, सरकार इन्हां दी आ गई। 92 सीटां दा मतलब वी अखां मीट के भरोसा लोकां ने कीता इन्हां ते, अखां मीट के। ते पर अज होया कि एक साल तो उत्ते समा हो गया, साडियां भैणां बैठीआं, मावां बैठीआं, कोई वायदा इन्हां दा पूरा नहीं है, कोई वायदा भी पूरा नहीं है। उदों आउंदे सीगे पिंडां च टीवियां दे उत्ते मशहूरियां दिंदे सी वी असी हर एक नौजवान नूं जिहड़ी है वो नौकरी देवांगे, जिन्ना चिर नौकरी नहीं मिलदी उन्ना चिर रुजगार पता देवांगे। हरेक बजुर्ग दी इन्ने इन्ने सौ पेंशन कर देंगे, ते हरेक भैन नूं हरेक माई नूं हजार हजार रुपया प्रति महीना दिया करांगे। भैनों एक साल हो गया, माओ हजार रुपया ते की आना सी, किसी ने मुड़ के बात नहीं पूछी। एक साल हो गया इहदे हिसाब नाल ते तुहाडा 14-14 हजार रुपया सरकार नहीं खड़ गया, जिहड़े हालात बन गए। जो तुसी मगर नूं ध्यान मारो, नीले कार्ड वाली स्कीम तो लैके साडियां धीआं वास्ते बच्चियां वास्ते साइकलां तो लैके वजीफियां तो लैके 200 यूनिट बिजली बत्ती तो लैके माई भागो स्कीम तो लैके जिन्नियां भी लोक पक्षी स्कीमां बनियां, सरदार प्रकाश सिंह बादल दी सरकार, तुहाडी अपनी सरकार श्रोमणी अकाली दल वल्लों बनाईआं गईआं सी। कोई एक बाह खड़ी करके कह दे भी फलानी पार्टी ने सानू आ नवीं स्कीम दित्ती, कोई नवीं स्कीम नहीं। थोड़ा जिहा उहनां नूं वधा लैंदे ने, कोई घटा लैंदे ने, स्कीमां उही है, उही स्कीमां उहनां नूं कह कह के वोटां लैंदे ने। तो मैं ये दसना चाहुंदा, मेरे मूहरे सरदार बैठे ने, पंजाबी बैठे हो तुसी सारे जाने, तुसी दसो मैनू 4-5 महीनों तो पहला तुसी NSA का नाँ कदी सुनिया सी वी? NSA नाँ की चीज़ हुंदी है वी? ये किहड़े परचे हुंदे ने NSA दे? तुहानू पता सी किसे नू? बोल के दसो भी तुसी नाँ सुनिया सी NSA दा? अवीरो जो पंजाब दी एक साल विच इन्हां ने हालत बनाई है, जिहड़े हिसाब नाल मिलटरी इत्थे तुरी फिरदी सी, 20 कंपनियां फौज दियां इत्थे लाईआं, सियाणे बजुर्ग अपने दिलां ते हत्थ रख के दसो तुहानू एक बारी 84 वाला जिहड़ा मंजर सी उह याद आया कि नहीं आया? जिहड़े हिसाब नाल उत्थे घेरा पा के नौजवानों नूं फड़ के असाम विच लिजाया गया ते NSA दे परचे कीते गए, तुहानू 84 चेते आई कि नहीं आई? ये माहौल जिहड़ा बनाया गया ये झाड़ू पार्टी की सरकार ने बनाया गया। इस तो पहला कई सरकार आई हैं, कभी NSA ना नहीं सुनिया किसी ने, कोई इदां दे परचे नहीं होए जिहड़े इन्हां ने कीते। तो NSA दे परचे किहड़े ने? NSA का मतलब है नैशनल सिक्योरिटी एक्ट। जिस इंसान तो देश नूं खतरा है उहदे ते NSA दे लगदे है। आपां मजाक दा पात्र बना लैंदे हैं, जदों आपां मुख्यमंत्री बाजे के दी वीडियो देखदे फोन ते आपां हसदे हैं
भी आ की करी जांदा है, आ बला फलाना इन्ना बोलता है। वीरो सधारण एक इंसान उहदी वीडियो आपां देखी जदों उहनूं फड़िया, उह पट्ठे बढ़न दिया सी अपने, उह अपने पट्ठे बढ़दा सी। इसे तरह ही होर पंजाब दे सैकड़े नौजवान जिहड़े अपनी किरत कमाई कर रहे सी अपने खेतां च सी, जां अपने घरां च बैठे सी, जां पिछले छे महीनियां च जिन्हां ने अमृत छकिया सी जां छकाया सी, वीरो उन्हां नूं घरां चों कढ के इन्ने सिर परचे ला के आसाम भेज दिता गया। अज ओ लोग पंजाब दीआं जेलां च ने जिहड़े रोज लाइव होके पत्रकारां नूं इंटरव्यू करदे आ, उन्हां ते कोई परचा नहीं। तुसीं मैनूं दसो, सारे जाने तुसीं हाजिर हो, सियाणे हो, भी तुसीं किसे दी मुलाकात जेल दे विच गैर कानूनी तरीके नाल कर सकदे कि नहीं कर सकदे? तुहानूं फड़ के अंदर देणगे कि नहीं देणगे जे तुसीं गैर कानूनी जेल च जाओगे? वीरो जे गैर कानूनी तुसीं मुलाकात नहीं कर सकदे तो यह किहड़े कानून नाल जेल दे विचों इंटरव्यू हो रही है, तो ना इंटरव्यू करने वाले ते कोई परचा, तो ना इंटरव्यू लैन वाले ते कोई परचा है? तो परचे किन्हां ते है जिन्हां ने अमृत छकाया, जिन्हां ने छकिया? ये उन्हां ते परचे करके, पंजाब दे नौजवानां ते पंजाबियां ते परचे करके NSA वर्गियां वड्डियां धरावां ला के जिहड़े आसाम च भेज दित्ते गए। वीरो आसाम च उन्हां नूं दिमागी तौर ते परेशान किया जाता है। तुसी आप सोचो, आसाम दे विच तुहानूं उन्हां दी भाषा नहीं समझ लगती, उन्हां नूं तुहाडी नहीं लगती, उन्हां दा खाण पीण हो रहा, तुहाडा हो रहा, तो तुसी समझो भी किवें उह गुजारा करदे होणगे उत्थे, किवें गुजारा करदे होणगे? इह आपां नूं समझना पैणा, आपां नूं सोचना पैणा। वीरो पंजाब दी पग जिहड़ी सी वह बड़ी उच्ची ते बड़ी सच्ची सुची हो गई सी। देश दे विच छड्डो, दुनिया दे विच जदों कोई कुदरती आफत आउंदी सी, किते भूचाल आ जांदा, किते सुनामी आ जांदी, किते हड़ आ जांदे, जां यूक्रेन वर्गे हालात किसे मुल्क दे बणदे, ते सब तो पहला तुहाडे पंजाबी जाके उत्थे लंगर भाई कन्हैया जी दी याद उत्थे कराउंदे, लोकां नूं उत्थे लंगर लाउंदे, लंगर छकाउंदे। तो वीरो अज एक साल दे विच विच तुहाडी पग जिहड़ी है इस बौकर पार्टी ने रोल के रख दित्ती। एक साल दे विच विच तुसी बाहर मीडिया देखो, जिहड़ा नैशनल मीडिया है वह सिखां नूं अतवादी ते वक्खवादी दस रहा है, ते जे तुसी कुरबानियां देखो अज भी 90% दे ज़्यादा कुरबानियां पंजाबियां दीआं। कोई फौज च कितने डेड बॉडियां आ रही हैं, कितने चार आ गई, कितने माझे की धरती से, कितने मालवे की धरती से, कितने दुआबे की धरती से कुरबानियां साड़ियां हजे भी होनी है, पर नैशनल मीडिया पंजाबियों नूं अतवादी ते वक्खवादी दिखा रहा है। वीरो ये गल्लां आपां नूं समझणियां पैणगियां, ये सोचणियां पैणगियां कि कसूर सी उस तुहाडी धी दा, अपनी धी दा जिहड़ी अमृतपाल दी घरों है बीबी, तुहानूं पता किहड़े पिंडों है, अपने हल्के चों है, वह कलारा पिंड दी कुड़ी है जिहनूं एयरपोर्ट दे उत्ते बेइज्जत करके वापस इत्थे पंजाब भेजा गया, उहनूं जहाज नहीं चढ़न दिता गया। वीरो ये बेइज्जती कराउण वास्ते धीआं भैणां दी, पंजाबियां दी, इस करके सरकारें बनाई सी, इस करके यह बनाई सी भी साडियां धीआं नूं बेइज्जत करके 84 च वी नहीं किसी नूं एयरपोर्टां तों मोड़िया। वीरो ये आपां नूं समझना पैणा, भैणो ये आपां नूं देखना पैणा भी किहड़ी सरकार साडे लई की करदी है, किहड़ी सरकार दी साडे लई की नजरिया है। जदों आए सी तां आपां सारे टोपी वाले कहिंदे सी, ये टोपी वाले आ, इहनां दे सिरां दे उत्ते टोपियां टकाइया झाड़ू दियां। वीरो उही गल निकली, ये पग्गां दी कीमत पछाण नहीं सके,
ਇਹ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਗ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ। ਪਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਤਾ, ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਤਾ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਮੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਅਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹ ਜੀਪ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਵੀਰੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੋਏ ਲੋਏ ਘਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਸਾਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਇਹ ਆਇਆ ਐਮ ਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਜਲੰਧਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, 9 ਹਲਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 9 ਹਲਕੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਵੀਰੋ, ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਕਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸ਼ਤਾਨ, ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ, ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਜੂ, ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜੂ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੁੜ ਗਈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ, ਤਗੜੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, 1 ਸੀਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ,
ते पंजाब दे लोग तुहानू वोटां मंगण तों छड्डो अपने पिंडां च नहीं वड़न देणगे। ये संदेश तुहाडा जाऊगा जे तुसी सरकार दे उल्ट वोट पा के डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी नूं कामयाब करूंगे। वीरो ये संदेश जाना सरकार ताईं बहुत जरूरी है। जे सरकार जित जांदी है तो फिर उन्होंने कहना असीं जो कर रहे सही कर रहे हैं, लोग तो साढ़े नाल है, सानूं वध वोटां पा के जिताता। इस करके वीरो ये बदलाव दा करके सानूं अपने सुरखाब दिखा के बदला दे, सानू ये करते सी आ गया बदला, इहोजिहा बदला पंजाब दे लोग मंगदे सी। इस करके वीरो भैणों बजुर्गो इको एक बेनती करदा, जिवें मैनू तुसी 22 दे विच वोटां पा के कामयाब किया इस पिंडों, उवें ही डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी नूं एक एक वोट पा के तुसी इत्थों कामयाब करके भेजना, तगड़िया करके भेजना। तो अपने रिश्तेदारां नूं, भैण भाईचारे नूं, भैन भरावां नूं, सारिआं नूं इह गल दसणी आ वी इस झाड़ू पार्टी तों बच के रहना। तुहाडी वोट, एक एक वोट बहुत कीमती वोट है, इहदी कोई कीमत नहीं है। तुहानूं याद होना चाहीदा है एक वोट करके ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਰਕੇ। ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤ ਰਾਮ ਮੱਲੀਆ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੁੱਚੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਔਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਜਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
मैं देखा उन्होंने जो सत्कार से वो कला अकाली दल ताई जिन्नियां भी दूसरिया पोलीटिकल पार्टियां उन्होंने भी उस दिन उन्हों का अफसोस प्रकट किया। मैं समझदा कि ये उन्हों का जो अज तक किरदार रहा ये उन्होंने उस दिन लोग सलाम कर रहे थे, क्योंकि अज तक जो उन्होंने किया वो उहदे ते सदा ही खरे उतरे। बेशक वह धार्मिक गल्लां होण असी सारे ही जानते हैं। श्री हरिमंदर साहब जिसन खूबसूरत बनाया वह श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने बनाया, तो बार देखा ही है पहला कितना रश हुंदा है। और भगवान वाल्मीकि जी का जो स्थान है उन्होंने जेकर इन्ना वधिया करोड़ों रुपया ला के जे उन्होंने वधिया बनाया वह भी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने। दुर्गियाणा मंदिर है उन्होंने भी खूबसूरत किया तो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने किया। और श्री गुरु रविदास महाराज की खुरालगढ़ के बिच जड़ी उस पवित्र स्थान में भी वधिया ते खूबसूरत बनाने की जो गल की वह भी सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने की। मैं समझा कि उन्होंने मन के विच हर इंसान प्रति और हर धर्म प्रति उन्हों का वो सत्कार उन्होंने विच सी। सो मैं समझदा कि अज जो दूसरिया पार्टियां राजनीति कर रही, मेरे तो पहला कुहाड़ साहब ने दसिया कि किस तरह 15-20 दिन पहला सिख नौजवान जिन्हों ने हमने 5-6 महीने पहले ही अमृत छकिया सी किस तरह भगवंत मान सरकार ने उन्होंने शरेआम अंदर किया और जेलों के बिच उन्होंने डकिया हजारों की गिनती नौजवानों। और जिहड़े नौजवान बाहर रह गए सी मैं देखिया कि उन्होंने मापे उन्होंने कहते सी बाहर ना जायो, पता नहीं पुलिस ने किस वेले फड़ लेना तुहानू। सो एक पासे नफरत की राजनीति, एक पासे प्यार की राजनीति। और पंजाब नू अज तक जो भी कुछ दिता, बेशक जिन्नियां फोर लेन सड़कां तुसी सारयां ने पहला वो भी हाल देखिया जो छोटिया छोटिया सड़कां होंदियां सी तां किन्ना जाना औखा हुंदा सी। अज तुसी जे इत्थों जलंधर नू जाना ना तां मैनूं लगदा कि 25 मिंटां च पहुंच जांदे आ। सो मेरी यह बेनती है कि जो भी डिवेलपमेंट होई, बेशक वह पावर प्लांट होण, बेशक वह डैम होण, बेशक एयरपोर्ट होण, यह सारे जिहड़े काम सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब ने किए। और भलाई स्कीमां दा तुहानूं दस्सिया, पर जिहड़े लोग जिन्होंने पिछले साल सरकार बनाई सी, जिन्होंने कहा सी आ बीबियां बैठियां इत्थे, पहला 200 यूनिट मिलते ही सारे नूं, और इन्होंने की किया 100 यूनिट बधाया, 300 यूनिट कर दिता। पर 300 यूनिट की आड़ दे विच एक तुसीं दसो कि बीबिया नूं वड्डी गिणती च बैठियां बीबियां इत्थे, तुसीं 1000 रुपया मंगण तां नहीं गईआं सी उन्हां तों? की तुसीं 1000 रुपया मंगिया सी? जां तुसीं मंगण नहीं गईआं? उन्होंने थोड़े ना वादा किया कि हर बीबी के खाते के बिच पहली तरीक नूं असी 1-1 हज़ार रुपया जमा कराया करांगे, वो अजे तक किसी नूं दिता नहीं। मैं जो समझदा कि सरदार प्रकाश सिंह बादल की सब तो वधिया स्कीम जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जिहदे करके 3.5 लाख बच्चा दलित समाज का बैकवर्ड समाज का 3.5 लाख के करीब बच्चा जिहड़ा कॉलेज पढ़ता सी, हजारा ही बच्चे डॉक्टर बने, हजारा ही डॉक्टर इंजीनियर बने, हजारा ही साड़ियां बच्चियां नर्सा बनिया और कोई मास्टर बनिया, जिसनों जो चंगा लग्या उन्हें वो पढ़ाई की। अज वो गिनती 1.25 लाख रह गई। 1.25 लाख इस करके नहीं रह गई कि बच्चे घट गए, वो इस करके रह गई कि सरकार ने बेशक पिछली कांग्रेस सरकार होवे जिहदे विच साधु सिंह धर्मसोत 63 करोड़ रुपया वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का खा गया जिहदे नाल बच्चों की गिनती घटी। 100 करोड़ रुपया चंदी साहब जाते जाते उन्हां लोगों का यूनिवर्सिटियों का माफ कर गए जिन्हां ने 100 करोड़ रुपया सरकार नूं देना सी जिहदे नाल बच्चों की फीस दिती जानी सी, वह भी बच्चों की गिनती का कारण बनी कि वह घटे। भगवंत मान सरकार 13-14 महीने हो गए, ये भी 1.25 लाख ही आ, क्योंकि इन्होंने भी अजे तक एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम नहीं बनाई। सो मैं बेनती करता, क्योंकि काम का समा
मैं लगता कि बीबिया ने जाके रोटी पानी का भी काम करना। मैं थोड़ी एक बेनती करनी है कि तुम पछाणना कि सच बोलता कि झूठ बोलता, केड़ी पार्टी ने थोड़ा किया, केड़ी पार्टी ने थोड़ा गदारी की या थोड़ा झूठ बोलिया। सो बेनती है कि 10 तरीक न एको एक तरीका उन्होंने दसण का, वह है कि तुम वोट का जोड़ा हक जोड़ा वोट का तुम इस्तेमाल करना, वो 10 तरीक नी इन पार्टियों के खिलाफ जेडे कभी कहें गुरु गुटका साहब हाथ से पढ़ के कहें कि 4 हफ्तों मैं नशा बंद कर दूँ, वो बंद नहीं करके गए। जेडे कहें मैं घर घर नौकरी दे दूँ, वो नौकरियां नहीं देकर गए। जेडे कहें असी किसानों का मजदूर का कर्जा माफ कर देंगे, वो करके नहीं गए। सो मैं बेनती करता कि ये तुसी पछाण करनी है 10 तरीक नूं एक एक वोट जिहड़ी आ तुसी तकड़ी वाला बटन दबा के मैनू पा के इत्थों भेजो। और मैं थोड़े नाल एक वादा करदा कि बेशक 10-11 महीने ना कोई सरकार बननी नहीं गिरनी नहीं, पर एक मैं वादा करदा कि जो विश्वास, क्योंकि अजे मेरिया गल्लां नाल तुसी विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जो विश्वास मेरे हल्के बंगे दे लोग मेरे ते करदे आ, क्योंकि मैं उत्थों दा मौजूदा MLA आ, मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि 10-11 महीनों के बीच में वह विश्वास तुसी मेरे ते भी करोगे, ये मैं तुहाडे नाल वादा करदा कि मैं तुहाडे च रहूँगा। क्योंकि मेरे लिए कोई MP बनना जां MLA बनना मैंने नहीं रखांदा, मेरे लिए तुहाडा प्यार थोड़ा सत्कार जिहड़ा असीं आपस में एक भाईचारा बनाना उही मेरे लिए मैंने रखांदा। सो मैं बेनती करदा कि तुसी वड्डी गिनती च इकट्ठे होए हो, मैनू रस्ते च कहिंदे सी वी सरदार बलदेव सिंह हुणी कल्ला अपना पिंडे नहीं देखदे, वह इलाके दे बहुत पिंड आ जिथे जाके वह कह सकदे आ, और उहदा प्रतख जिहड़ा तुसी उह अज नतीजा मेरे सामने आ। तुसी जिहड़ी वड्डी गिनती च, मैं किसे भी हलके च गया, किसी भी थां ते किसी भी पिंड का एडा वड्डा इकट्ठ मैं देखिया नहीं। सो दे लई मैं तुहाडा भी और सरदार बलदेव सिंह होना का भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और मैं श्री अकाल। सो मैं बेनती करदा एक बार फिर हथ बन के बेनती करदा कि 10 तरीक न एक एक वोट जी तकड़ी वाला बटन दबा के मैनू पाओ, मैनू जिता के भेजो। थोड़ा सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जय भीम, जय भारत।